स्टार्ट किया रिलेटिव वन डी मोशन। रिलेटिव वन डी मोशन का मतलब है कि एक ही लाइन के अलोंग दोनों चल रहे हैं, ऑब्जर्वर भी और वो ऑब्जेक्ट भी जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। सपोज मैं वो ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आगे जा रहा है विथ सम वेलोसिटी वी वन, ये पार्टिकल नंबर वन है, थोड़ा तेज चल रहा है। इसके पैरेलल इसी लाइन के अलोंग एक और पार्टिकल चलता है, पार्टिकल क्या है ये जो भी पर्सन है, और ये इसी के पैरेलल चल रहा आगे वी टू। मैंने कहा कि ये ओरिजिन है और ये आगे वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब देखो अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो ग्राउंड से देखने वाले को तो वी वन नजर आएगी, लेकिन अगर टू देखेगा तो उसको कुछ अलग नजर आएगी। यानी कि आपने यहां ऑब्जर्वर बना दिया टू को और हम निकालना चाहते हैं वी वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ये उसका सिंबल होता है। ऑब्जर्वर बना दिया टू को और हम निकालना चाह रहे हैं V1 विद रेस्पेक्ट टू टू। तरीका क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है आप उसको रेस्ट पे ले आओ, फिलहाल ऑब्जर्वर कौन है टू, तो आप टू को रेस्ट पे ले आओ, टू को मैथमेटिकली रेस्ट पे ले आओ। वैसे तो मूव कर ही रहा है, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी वी टू आगे है तो आप माइनस वी टू उसमें एड कर दो, पर एक सिचुएशन में एक चीज जो आपने एड की है वो दूसरे में भी एड होगी, तो इसमें भी माइनस वी टू एड होगी। इसका यह मतलब है, ये डायग्राम हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर टू रेस्ट पे होता, इफ टू इज एट रेस्ट, अगर टू रेस्ट पे होता, इफ टू वर एट रेस्ट, देन वन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन वुड बी इन दोनों का वेक्टर सम, और इन दोनों का वेक्टर सम है वी वन माइनस वी टू। इसे ही बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, और इसका एक हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है वी वन माइनस वी टू। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू का फॉर्मूला आ चुका है वी वन माइनस वी टू। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो किसी टी टाइम में, यहां से दोनों एक साथ स्टार्ट हुए टी इक्वल टू जीरो पे, किसी टी टाइम में ये यहां पहुंच गया, टी टाइम में ये पहला आदमी यहां पहुंच चुका है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी x1, दैट विल बी v1 into t, ये उसकी पोजीशन होगी है x एक्सिस पे x1। अच्छा जब दूसरा आदमी चल रहा है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, तो वो मान लो t टाइम में ही, भाई ये घंटे में वो तो आगे गया, ये अभी यही है, तो t टाइम में ये जो इंसान है, मैं एक्सिस पे दिखा रहा हूं, एक्सिस पे, एक्सिस के पैरेलल है वो उधर है ये इधर है, ये यहां पहुंचा है। अच्छा ये हमने बोला x1, ये x1 था, और ये जहां पहुंचा उसको हमने बोल दिया x2, और जो x2 होगा क्योंकि स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं मान रहा हूं, मैं पहला केस ले रहा हूं जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, पहला केस जिसके अंदर की यूनिफॉर्म मोशन होने लग रहा है हमने वो केस लिया। तो अब ये देखो ये चला v2 into t, वो चला v1 into t, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो x1 भी चला x2 भी चला। अब आप बताओ क्या 2 को 1 v1 to, यूं इस बात का जवाब दो, सेकंड को फर्स्ट आदमी कितना चला हुआ दिखाई देगा, v1t चला हुआ दिखाई देगा, बताओ सेकंड को फर्स्ट आदमी कितना चला हुआ दिखाई देगा बताओ। सर अगर वो x2 पे होगा तो इतना तो नहीं देगा। हां तो कितना देगा इस डायग्राम माइनस v2 एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का मतलब है कि अगर आप टी कॉमन लें तो वी वन माइनस वी टू इंटू टी, मतलब इस आदमी को लग रहा है कि टी टाइम में ये मुझसे इतनी दूर चला गया है, तो टी टाइम में अगर वो मुझसे इतनी दूर चला गया है तो उसकी स्पीड कितनी है मेरे रेस्पेक्ट में, भाई टी टाइम में वो मेरे रेस्पेक्ट में इतनी दूर चला गया तो जो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस इतना दूर गया अपॉन टाइम टी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकल के आई वी वन माइनस वी टू। इसका मतलब ये है कि अगर ये जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ये 6 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 को 1 की नेट वेलोसिटी 6 नहीं बल्कि 4 मीटर पर सेकंड नजर आएगी। ठीक है, ये तो रिलेटिव मोशन अलोंग वन डी था, यूनिफॉर्म मोशन और दोनों की डायरेक्शन भी सेम थी। अच्छा इसके बाद देखिए दूसरा सेकंड पार्ट हम देखते हैं,
रिलेटिव मोशन में 2D दोबारा आएगा जब हम 2D मोशन पढ़ चुके होंगे मंडे से, जो कल से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें, फिर दोबारा रिलेटिव मोशन आएगा, लेकिन फिलहाल हम 1D वाला कवर कर रहे हैं। देखिए 2D में बाद में चलेंगे, अब इसी में देखो, सपोज कीजिए 1 इधर जा रहा होता विद अ वेलोसिटी v1, 2 इधर आ रहा होता विद अ वेलोसिटी v2। क्या आपने यूं देखा जब गाड़ियां क्रॉस करती हैं, ओवरटेक नहीं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो कितनी तेज स्पीड हमें सुनाई देती है, एकदम से शूं गाड़ी निकल भी जाती है फटाफट। देखा है कि नहीं देखा ये? Yes, sir. तो वो क्या है, अब बताओ, अब अगर मैं मान लो ये 2 है और ये 1 है, ये v1 ये v2, मैंने इसे बना दिया ऑब्जर्वर फ्रेम, यानी कि मैं निकालना चाहता हूं v12। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो ये होगा v1 माइनस v2 या ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा v1 प्लस v2। बताओ क्या होगा? v1 प्लस v2। पिछली बार आपने सेम डायरेक्शन मानी थी, इस बार आपने मानी है अपोजिट डायरेक्शन। बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा v12 का? v1 प्लस v2। चलो v1 प्लस v2 एक की तरफ से आ चुका। कोई बच्चा ये भी सोच रहा है कि नहीं, आंसर है ये, आंसर है ये। हमेशा याद रखो कि 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो, चाहे 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो, v12 का फॉर्मूला होगा v1 माइनस v2। हमेशा ये फॉर्मूला होगा। फिर यार फिर ये घट क्यों नहीं रहे, इसमें तो बहुत तेज स्पीड दिखती है। अब दिखाता हूं आपको, यहां पे फॉर्मूला तो यही फिक्स है भाई। पहला काम क्या करना है, ऑब्जर्वर को किस पे लाएं, रेस्ट पे। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना है तो v2 आगे है तो माइनस v2 पीछे बनेगा, तो माइनस v2 वेक्टर इसमें ऐड किया, साथ ही साथ माइनस v2 वेक्टर इसमें भी ऐड होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये तो आ चुका है रेस्ट पे, और उसमें देखो दो वेक्टर दिख रहे हैं, क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम। जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, ये तो यही फॉर्मूला है, v1 वेक्टर में माइनस v2 वेक्टर आपने ऐड किया, यानी कि आपने यही लिखा है v12 इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, तो v12 बराबर v12 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड तो है v1 प्लस, इसका मैग्नीट्यूड माइनस v2 नहीं है, माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v2 ही है, क्योंकि डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। यानी कि सेम डायरेक्शन में तो v1 माइनस v2 आया था मैं, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, v1 प्लस v2। लेकिन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला तो यही रहेगा, वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। क्या बताओ ये आया समझ में, क्या बताया मैंने? एक बार मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाले एग्जांपल से ये चीज क्लियर करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई बस है और ये बस आगे जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आप बस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ पकड़ पाओगे कि नहीं, बोलिए आप बस को पकड़ पाएंगे कि नहीं, इस तरह से चलते चलते कोई चांस ही नहीं है और वो हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन ये मैन है ये बस है, फिलहाल आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी है। बताओ वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी है। वेक्टर फॉर्म में तो यही फॉर्मूला लगेगा वीबी माइनस वीएम, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे कोई और डायरेक्शन हो। लेकिन अब देखो दोनों वेक्टर्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है वीएम, तो इसमें पीछे की तरफ 8 ऐड कर दो, तो इसमें भी पीछे की तरफ 8 ऐड कर दो। अब मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे ये चीज यूज करनी, इसमें 8 पीछे, इसमें 10 में से 8 पीछे की तरफ, तो कितना बचा ये 2। इसका मतलब अगर मैं यहां मैग्नीट्यूड निकालूं तो यहां पे मैग्नीट्यूड केवल निकल के आ रहा है वीबी माइनस वीएम,
एंड वो सिंपली आपका क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसी डायग्राम में मान लो बस आपकी तरफ आ रही होती विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और आप बस की तरफ भाग रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ये मैन है ये बस है, अब मुझसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो फॉर्मूला तो अब भी यही है। देखो मैं बताता हूं फॉर्मूला अब भी यही है, VBM इज इक्वल टू VB माइनस VM, फॉर्मूला तो अभी भी वही है। लेकिन सबसे पहले आप आदमी को रेस्ट पिलाओ, तो उसके लिए आपको 8 इधर ऐड करना पड़ा, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में 8 ऐड करेंगे। अब आप बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन दिख रही है कि अपोजिट डायरेक्शन? सेम है, तो अगर ये रेस्ट पे होता तो ये इधर 18 से आ रहा होता, तो अब जो VBM बना वो बन गया VB प्लस VM, लेकिन वेक्टर फॉर्म में यही फॉर्मूला है, परंतु दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो गए और अब ये आया 18 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात रिलेटिव मोशन में, सबसे पहली बात कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया है कि नहीं? ये फॉर्मूला 2D मोशन के लिए भी वैलिड है। क्या अनुज हो आप क्लास में अभी? हाँ जी भाई, अनुज है क्या क्लास में? आपने एक दिन एक सवाल भेजा था 2D रिलेटिव मोशन का, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, आपने क्वेश्चन भेजा था मुझे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं क्या था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखे थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता नहीं कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था, और उसमें पूछा था कि एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी, वहां भी यही फॉर्मूला लगेगा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन वो क्वेश्चन यहां का नहीं, वो 2D मोशन का है। जब हम 2D रिलेटिव मोशन पे जाएंगे तो तब इस तरह के क्वेश्चंस भी हम ले रहे होंगे कि ये कैसे सोल्व करते हैं। अभी जो दोनों वेलोसिटीज होंगी VB VM या V1 V2 वो या तो सेम डायरेक्शन में होंगी या अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक लाइन के अलोंग ही आपको लेंगे। चलो केस फर्स्ट आया समझ में, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में रिलेटिव मोशन। केस सेकंड देखो, अभी ये जो 40 मिनट की क्लास है इसमें तो ये लगा लो कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में देखाऊंगा कि क्या क्या 1D मोशन के रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट थे। केस सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, 1D मोशन ही हम ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल ये है पार्टिकल नंबर 1 और एक पार्टिकल ये है पार्टिकल नंबर 2। 1 को थ्रो किया गया डाउनवर्ड विद वेलोसिटी यू एंड 2 को ड्रॉप किया गया, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं रिलेटिव मोशन लगा के दिखा रहा हूं। 1 को थ्रो किया गया और 2 को ड्रॉप किया गया, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन 1 और 2 के? क्या 1 और 2 के मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर हेडिंग ही देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। क्या यहां पे ग्रेविटी है कि नहीं? मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको ऊपर से छोड़ दिया गया है, नीचे ग्राउंड है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इनमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये ना तो 1 का मोशन यूनिफॉर्म है ना 2 का मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन ऑफ 1 कुछ नहीं बोला, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ 2 दैट इज ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं अलग अलग देखूं तो आप बताओ किसी भी टी टाइम पे ये कितना नीचे आ चुका होगा यहां से? सपोज मैं कहता हूं कि ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, तो किसी भी टी टाइम पे ये कितना नीचे आ चुका होगा बताइए? कल परसों यही तो काम हम सीख रहे थे, किसी टी टाइम पे मान लो ये यहां आ चुका, किसी भी टी टाइम पे यहां आ चुका, मैं इसकी इस पोजिशन को बोलता हूं y1, ये ओरिजिन है ये y1, तो y1 अगर मैं लिखूं तो y1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आया क्या समझ में, कैसे लिखा है?
भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है तो वो भी पॉजिटिव होगी जी, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है वाई वन, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। अभी बताओ क्या ये क्लियर हो गया, पहला वाई वन कैसे लिखा? अब टू देखें तो वो थोड़ा कम आया होगा क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी, टू मान लो यहां तक आया कहीं तक, और इसकी पोजीशन को मैं बोलता हूं वाई टू, जैसे टू चल के आया है इसकी पोजीशन को मैं बोल रहा हूं वाई टू, वाई टू कितना होगा बताइए, बोलो सेम वेलोसिटी से तो नहीं आ रहे थे, उसको तो फेंका था यू स्पीड से, इसको छोड़ा है हमने जीरो स्पीड से, बताओ जैसे एक्सेलरेशन सेम है दोनों की, इसकी जी है नीचे की तरफ तो इसकी भी एक्सेलरेशन जी होगी नीचे की तरफ, बताओ वाई टू लिखो यार, जैसे ये लिखा है वैसे ही वो लिखो होगा टी टाइम पे, भाई टी इक्वल टू जीरो पे इसको थ्रो किया ना, और टी इक्वल टू जीरो पे इसको ड्रॉप किया रिलीज किया, टी इक्वल टू टी टाइम पे ये तो यहां पहुंच चुका है लेकिन वो अभी थोड़ा ऊपर है, तो y2 लिखवाओ कि t टाइम में वो कितना चलेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर की मदद से, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ क्योंकि u तो है नहीं तो ओनली क्या होगा हाफ g t स्क्वायर, क्या y1 और y2 लिखने आ गए दोनों, ठीक है दोनों में एक्सेलरेशन है इसलिए दोनों मोशन किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों में एक्सेलरेशन होने की वजह से दोनों मोशन आपके नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब मैं ऑब्जर्व करूंगा मोशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ये क्लास खत्म हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि 10 मिनट बचे, अब ये फिनिश कर दो ये वाला पार्ट, मोशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू ये हमें देखना है कि मोशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू क्या होगा, तो इसके लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू, डिस्प्लेसमेंट तो उसको भी लिखना पड़ेगा y1 विद रेस्पेक्ट टू 2 एंड वो हो जाएगा y2 माइनस y1, y1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कि भाई एक के रेस्पेक्ट में सेकंड कितना डिस्प्लेस हुए ना, दो के रेस्पेक्ट में सेकंड फर्स्ट कितना डिस्प्लेस हुए, तो दो के रेस्पेक्ट में फर्स्ट तो बस इतना सा नीचे है इतना, दिस इज y1 2, ये आपका है y1 2, एक बार डायग्राम देख के बताओ y12 कितना आ रहा है, अगर आप y2 लिखते हैं तो y2 कितना है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस y12 हाफ, ना 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 ये मैंने उल्टा लिख दिया था, इधर सुनो y12 जैसे v12 का फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2, ऐसे y12 है y1 माइनस y2, तो y1 तो आपका कितना होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस y2, y2 कितना है ओनली हाफ gt स्क्वायर, अब देखो हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कट गया तो y12 कितना निकल के आया y12 ut, ये यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, स्पीड इनटू टाइम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं, स्पीड इनटू टाइम से अगर डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस आता है यानी कि मोशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू वो कौन सी कैटेगरी का है यूनिफॉर्म मोशन, देखिए खाली वन का मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें नॉन यूनिफॉर्म, खाली टू का मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अगर वन का मोशन टू देख रहा है तो उसे वन का मोशन कैसा नजर आएगा यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वन की एक्सेलरेशन टू के रेस्पेक्ट में जीरो है, कैसे है वो यहां से सीखो आप, ये अलग अलग लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट अब सिखाता हूं कैसे, देखिए सबसे पहली बात इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहली बात इनिशियल वेलोसिटी, इसकी u इसकी जीरो तो इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ओनली u आ रही, देखो ये वन की ये टू की एंड दिस इज वन विद रेस्पेक्ट टू टू, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है उसकी है नहीं तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट u आया, अब मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, इसकी g है इसकी भी g है दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो वन की अगर टू के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इसकी जी खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जी ऐड होगा इसमें भी ऐड होगा तो जी माइनस जी कितना आ जाएगा वन में जीरो, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वन की वैल्यूज हैं इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टू की वैल्यूज हैं और ये टू के रेस्पेक्ट में वन की वैल्यूज हैं, तो आप बताओ टू के रेस्पेक्ट में वन की एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, टू के रेस्पेक्ट में वन की एक्सेलरेशन जीरो, टू के रेस्पेक्ट में वन की एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि
वो देखने के लिए आपको टू की एक्सेलरेशन खत्म करनी पड़ेगी, तो उतना इसमें ऐड करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए टू के रेस्पेक्ट में वन की एक्सेलरेशन जीरो, इसीलिए टू के रेस्पेक्ट में वन का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहनी है, टू के रेस्पेक्ट में वन की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहनी, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखें, अगर दो पार्टिकल्स का मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो चाहे दोनों का मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा। चलो अब ये बताओ, क्या ये रिलेटिव मोशन की एक शुरुआत हुई है वन डी मोशन की? क्या ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया कि किस तरह से ये फॉर्मूले निकालने हैं? ऑब्जर्वर की सारी चीजें खत्म करके उसे रेस्ट पे लेके आना होता आपको। हाँ भाई, क्लियर हो गया यहां तक ये जो बताया है? ठीक है, अब देखो इसमें सुनो, आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में है चैप्टर 3 में रिलेटिव वेलोसिटी आखिरी टॉपिक है, उसमें इन्होंने कुछ ग्राफिकल काम भी करवाया हुआ है, आप यहां से जरूर करें। आज कितना काम आप करेंगे? मैं आपको एक सीपीपी दूंगा करने के लिए केवल रिलेटिव मोशन के ऊपर, बस एक पेज का, बिकॉज उसमें मैं एडिशनल होमवर्क भी लिख के देना चाहता हूं भी, क्या क्या आपको ट्राई कर लेना है। आज जितना हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कल तक कंप्लीट कर लेना। बाकी कल हम 2D मोशन स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फिर उसमें भी रिलेटिव आना है अच्छे से, और एक ही वीक है हमारे पास, तो 2D मोशन हम उसमें कवर करेंगे। सर्कुलर और कंस्ट्रेंट इस टेस्ट में नहीं आ रहे, वो आगे पढ़ेंगे बाद में, वो तो अभी नहीं है सिलेबस में। आज आप कितना काम कर लेंगे? एक तो ये बताओ, मैंने ये वाला सीपीपी पूरा डिस्कस नहीं किया था, 21, क्या इसमें डाउट्स हैं आपके अभी सीपीपी 21 में? अरे किया है कि नहीं किया है बोलो। कर लिया। इसमें और तो डाउट नहीं है ना, मैंने तो एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। ठीक है, एक आप जो मैं आज अभी नहीं देखता हूं कब बनेगा, सीपीपी 22 दूंगा, उसमें कुछ रिलेटिव मोशन अलोंग 1D के क्वेश्चन होंगे, प्लस नीचे एडिशनल होमवर्क होगा पूरे 1D मोशन का, एचसीबी और एनसीईआरटी से भी आपको क्या कर लेना है। और प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो 1D मोशन की शीट दी है एटलीस्ट उसकी एक्सरसाइज करें, उसमें कैलकुलस भी था थोड़ा, तो कैलकुलस तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो तो आप फटाफट कर दोगे, लेकिन बाकी काम आपको कर लेना है। चलो आज आपकी कोई और क्लास है क्या शाम तक? किस चीज की? कितने बजे? 4:30 से 5:45। ठीक है, तो शाम को है, काफी लेट है, तो आप कम से कम भी आज का दिन लगाएं, फिजिक्स का काम पूरा करें, ताकि कल हम खुशी खुशी 2D मोशन स्टार्ट कर सके। ठीक है सर, अगर आप एनसीईआरटी एचसीबी से होमवर्क दो तो प्लीज उसकी फोटो भेज देना पेज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वो भेज दूंगा आपके लिए। और बाकी आप भाई आज का दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, आज संडे है, आज का दिन ही ढंग से यूज करना है, बिकॉज इन 7 दिनों में ये संडे ही हुआ करेगा जो पूरे साल आपको वीक का काम रिवाइज करने में मदद करेगा, नहीं तो काम इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा कभी, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, आज का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, अपना सारा काम आज अटेम्प्ट करके रखें। और 2D मोशन आसान है 1D से, अगर 1D सीख लिया तो 2D आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सेम चीजें एक की बजाय 2 बार लग जाएंगी। चलो ठीक है, अब टाइम होने वाला है, मीटिंग खत्म होने वाली, तो मैं भी मीटिंग को ऑफ करता हूं। ठीक है, और कल शाम को, कल आपका एक टेस्ट होगा 1D मोशन पे, हालांकि कल क्लास में 2D मोशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपका शाम को एक टेस्ट होगा ऑन 1D मोशन, तो उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, थैंक यू।